सो गाइस, एक और पोटेंशियल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जहां मैं आप लोगों के साथ 5-6 ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिनमें आने वाले हफ्तों में मुझे लग रहा है कि कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर अच्छा लग जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप यहां देखोगे तो ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगा रखा है और इस पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है और मैंने सिंपल सा कैंडलस्टिक चार्ट लगा रखा है और ये जो मेरी बीबी स्ट्रेटजी है वो मैंने लगा रखा है। ठीक है, बीबी स्ट्रेटजी में कुछ नहीं है, एक सिर्फ हमें बुलिंजर बैंड लेना है। ठीक है, उसका सेटिंग आप लोग खोलोगे तो ये सब कुछ बंद कर देना है, जो इसका बैकग्राउंड होता है इसको थोड़ा हाईलाइटेड करना है कि कुछ इस तरह से दिखे, और इसमें लेंथ 200 रखना है और मल्टीपल एक रखना है, बस आपकी स्ट्रेटजी बन के तैयार हो जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो देखो यार, अभी सेटअप के हिसाब से बना है, मतलब अगर आप देखोगे तो स्टॉक बढ़ा था, फिर इस तरह से गिरा, अब अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी कर चुका है। तो अगर ये यहाँ ब्रेक करता है तो हमें एक इसमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब पहले देखते हैं कि क्या इस स्ट्रेटजी पे ये मतलब सेटअप पे ये स्टॉक आया था तो कैसा परफॉर्म किया था। तो अगर आप पहले आगे देखते हो तो लाइक पहले भी मार्केट गिरा, फिर इस तरह से साइडवेज के बाद जब इसने पहली बार यहाँ ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ ब्रेक करने के बाद एक 30 दिनों का साइडवेज हमें देखने को मिला, उसके बाद फिर से इसने ब्रेक किया तो एक हमें रैली देखने को मिला। ठीक है, तो यही चीज़ हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार भी कि कुछ इस तरीके का रैली हमें देखने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे बड़ा था गिरा है, फिर साइडवेज भी हो चुका है, तो अब अगर यहाँ से निकलता है तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखते हो तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसमें मुझे कहीं से भी वीकनेस देखने को नहीं मिल रहा है और ये हमारा सिंपली RSI है जिसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, या सिर्फ 50 वाले लेवल को दिखाता है। अगर 50 से ऊपर है तो बुलिश, 50 से नीचे है तो बेयरिश। तो अगर आप इसके हिसाब से भी देखोगे तो अभी ये स्टॉक मोमेंटम में है, तो इसीलिए ये आज का हमारा पहला स्टॉक है। ठीक है, जिसे आप अपने रडार में रख सकते हो और ये जो आने वाले कुछ 5-6 महीने होने वाले हैं इसमें स्मॉल कैप या मिड कैप से ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप आज से 5-6 महीने पहले या 2-3 महीने पहले तक भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर रहे थे, तो उनमें अब थोड़ा कुछ में टाइम करेक्शन होगा और कुछ में इस तरह से वो गिर के अपने आप को करेक्ट करेंगे। इसीलिए ये जो स्टॉक उतने मोमेंटम में नहीं थे, यानी उतना परफॉर्म नहीं किए थे, ये स्टॉक अब बढ़ना शुरू करेंगे, तो ये आप लोग ज़रा ध्यान में रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। स्ट्रेटजी बना था तो वहीं से पहले देख लेते हैं कि जब स्ट्रेटजी बनता है स्टॉक में तब कैसा काम करता है। अगर आप सेम सेटअप देखोगे तो लाइक पहले गिरा है, गिरने के बाद इस तरह से नीचे से ऊपर काटा है, मतलब एक छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद जब इसने ब्रेक किया है तो हमारा ट्रेड बना है और 1:3 और इसने टॉप पे बिल्कुल निकला और फिर वही छोटा सा कंसोलिडेशन, फिर हमारा ट्रेड बना है और फिर हम अच्छा खासा सेटअप मिला। और फिर अगर आप देखोगे तो फिर सेम वही चीज़ है कि लाइक गिरा है, इस तरह से एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी हो चुका है, अब ये फाइनली ब्रेक करने के लिए रेडी है। तो अगर ये मतलब मंडे को खुलने के साथ अगर मोमेंटम करता है तो इसमें भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। और यार, आप लोगों को मैं बता दूं कि लाइक इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, उसके लिए मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लगाया है। ठीक है, तो अगर आप लोग एंट्री यहाँ करते हो तो ये जो पूरा बैंड है, बैंड के नीचे रख सकते हो, या अगर उसके नीचे मतलब हाल फिलहाल में अगर स्विंग लो देखने को मिल जाता है, यानी कि वो स्टॉक का लो अगर हाल ही फिलहाल में है तो उस लो के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये चीज़ मान लो ये ऐसे आ रहा होता तो हम इतना नीचे तो स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, तो हम अपने स्टॉप लॉस यहाँ या इसके बीच में कहीं लगा देते हैं और फिर उसके हिसाब से 1:3 का हम इसमें ट्रेड अपना प्लान करते हैं। तो ये पूरा ठीक है, इस तरह से आपको इसमें ट्रेड करना है। और ये भी अगर आप स्टॉक को देखोगे तो ये बुलिश स्टॉक है, कहीं भी इसमें वीकनेस मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोग देख लो, बिल्कुल ही बुलिश स्टॉक है, यानी कि इसमें मोमेंटम आने को आ सकता है। और ये रहा आज का हमारा तीसरा स्टॉक, और ये वैसे लार्ज कैप का नहीं है पर इसमें सेटअप बना था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप इसे यहाँ देखोगे तो इसने यहाँ एक लंबे चौड़े साइडवेज के बाद इसने यहाँ ब्रेक किया था, कई स्टॉप लॉस यहाँ और आपका टारगेट कुछ समथिंग यहाँ तक का था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस 6% का है तो हमारा टारगेट 20, ठीक है, 18 चाहिए था, 20 मिला। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ भी सेम वही सीन है कि लाइक गिरा, गिरने के बाद इस तरह से साइडवेज के बाद जब इसने ब्रेक किया तो आपको दिखेगा कि इसमें भी 6-7% का स्टॉप लॉस और 30-32% का टारगेट आपको इजीली मिल जाता। तो वही चीज़ हम सेम यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका लाइक एंट्री यहाँ होगा, वैसे तो एंट्री हो चुका है पर अगर ये घूम फिर के नीचे आ जाता है इस पर तब आप लोग यहाँ एंट्री प्लान कर सकते हो अगर आपको करना है तो, और आपका स्टॉप लॉस आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो, या अगर आपको खूब सेफ रहना है
तब इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको 1:3 का ट्रेड प्लान इसमें करना है, ठीक है। और ये रहा आज का हमारा अगला स्टॉक, और ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसने हाल ही फिलहाल में एक बहुत अच्छा रैली दिया है, ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल फिर से बढ़ने की कोशिश जारी है, ठीक है। तो अभी आप सेम एग्जांपल तो यहीं देख ही सकते हो कि लाइक यहाँ भी भाई ये सेम इस तरह से गिरा है, गिरने के बाद जब इसने ब्रेक किया रैली मिला, फिर गिरा, फिर इस तरह से साइडवेज में है, साइडवेज ब्रेक करके जब ये अपर वाले बैंड के ऊपर निकलेगा यहाँ एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और हम 1:3 मिनिमम रखेंगे अपना, ठीक है। और ये रहा हमारा पावर ग्रेड, और अगर आप लोग इसे भी देखते हो तो ये भी मतलब भी कुछ टाइम पहले इसमें भी हमारा ट्रेड बना था, तो आप देखते हो कि यहाँ गिरा, गिरने के बाद थोड़ा साइडवेज बनाया, साइडवेज के बाद एक हमें रैली मिल गया, ठीक है। और फिर उसी सेटअप में हमें कुछ ये दिख रहा है, तो ये भी कहीं से भी इसमें वीकनेस शो नहीं कर रहा है। पहले ये थोड़ा आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से वीक था, पर अब ये यहाँ भी मतलब ऑलमोस्ट ये बोल सकते हो रिकवर कर चुका है अपने आप को, और हमारा एंट्री यहाँ होने वाला है, तब तक ये और भी ज़्यादा रिकवर कर जाएगा। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले हफ्तों में हम तो आने वाले हफ्ते में आपको ट्रेड मिल सकता है, और ये वो वाले स्टॉक है ना जिनमें मैं 50 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 80-90 दिन के लिए अपना ट्रेड खोज रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी लार्ज कैप वाले स्टॉक हैं अगर इसमें एक बार ट्रेड मिल जाए तो आप इसमें 20-30% आराम से निकाल सकते हो बिना मतलब किसी मतलब बिना ज़्यादा रिस्क लिए, कहने का मतलब ये है। और अगर आप लोग इसे भी देखते हो तो इसमें हमारा एक बार सेटअप यहाँ बना था, यहाँ सेटअप बनने के बाद यहाँ से ऑलमोस्ट ये 51% का रैली दिया है, 51% का रैली देने के बाद अब जाके ये स्टॉक थोड़ा गिरा है, गिरने के बाद थोड़ा साइडवेज, साइडवेज के बाद अब ये अगर निकलता है तो फिर यहाँ से एक हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यही कुछ यार वो स्टॉक थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अगर आप इसमें ट्रेड करने वाले हो तो पहले सब कुछ सीख लेना, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद ट्रेड करना। बिना सीखे अगर पैसा आप कहीं भी लगाते हो तो उसके लूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो ये सब आप लोग देख लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, लग जाए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।